बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूँ। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। पाकिस्तानी भाई है जी, यहाँ पर एक मैं आपको उनकी वीडियो पहले दिखा दूँ, उसके बाद ही बिलाल अकबर साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया गया है। अच्छा, मैं इनकी वीडियो दिखा दूँ, उसके बाद बिलाल अकबर साहब की तरफ से जो कहा गया है वो भी आपको दिखाऊँगा। पहले आप भाई इनकी ये वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अमान साहब क्या हाल है? ठीक हो? मेरी मदद करो, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मेरे उधर 3 बेटियाँ, मैं खरूज पे जाना चाहता हूँ, मुझे खरूज लगवा दो। मैं 2 महीने हॉस्पिटल रह गया है, उधर मैंने पैसा दिया, फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला, 2600 रियाल दिया। उधर मेरे पास पैसे नहीं है। सफारे वाले क्या कहते हैं चाचा? सफारे वाले कहते हैं कि 3 हफ्ते और लगेंगे तुझे। और अमन भाई जी, वीडियो आपके भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं अभी जो मेन पॉइंट वाली बात थी वो आपको दिखा दी है। पाकिस्तानी है जी ये, इनका नाम भी इस वीडियो में जाहिर किया गया है और बिलाल अकबर साहब की तरफ से नोट्स लिया गया है, वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपने देख लिया ही, वो कह क्या रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में था, इनको फालज का अटैक हुआ है, तो वहां पर मैं 2600 रियाल उन लोगों ने मुझसे लिया है, उसके बाद ही मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलने दिया है। ठीक है, जाहिर सी बात है जो उनके पैसे लगेंगे वो तो आपको देने पड़ेंगे, ये तो कन्फर्म बात है। उसके बाद अगर बात कर लें इनकी तरफ से ये कि अभी मुझे सफारे वाले 3 हफ्ते मजीद बोल रखे हैं। सफारा में भाई, अगर आप क्रूज नहाई जाना चाहते हैं सफारा के थ्रू, तो आप पेपर जमा करवाते हैं। उसके ऊपर ये होता है कि आपका कंपनी रेड होनी चाहिए, आप पेपर जमा करवा दें तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मक्का वगैरह से अगर कोई यहाँ छोटे शहरों से जैसे कि बंदे आते हैं जिन शहरों के कफील कम होते हैं, उनका क्रूज भाई 1 माह में भी लग जाता है। अच्छा, सिंपली कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती। मैं आपको साथ में इस चीज़ के मतलब भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर जद्दा वगैरह या रियाज वगैरह ऐसे बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ की लिस्टें लंबी होती हैं, यहाँ पर 4-5 माह भी आपको लग सकते हैं। आप अगर साथ में मेडिकल रिपोर्ट लगाते हैं आपकी, आपको खुदा ना खवास्ता कोई भी किसी किस्म का मसला बन गया यहां पर, तो आप खरूज नहाई के तौर पर जाना चाहते हैं, बशर्ते कि इकामे एक्सपायर हैं, इस बंदे के इकामे एक्सपायर हैं। अगर इसके इकामे लगे होते तो खुद से कफील को बोलकर ये खरूज लगाकर जा सकता था। इस बंदे के भी इकामे एक्सपायर हैं, अभी 1 है 2 है ये तो अल्लाह जानता है। बहरहाल इसने सफारा में रजू किया, सफारा में उन लोगों ने बोला अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके जो इसके पास पहले से थी, इसने साथ में पेपर लगाकर जमा करवा दी। कफील इसका भाई वो बोलता है पता नहीं किधर है, यानी कि कंपनी इसकी रेड होगी, कन्फर्म बात है। पेपर जमा करवा दिया, अगर भाई वहां पर आप मेडिकल की रिपोर्ट लगाकर भी पेपर जमा करवाते हैं फिर भी आपको 15 दिन से 1 माह या 1.5 माह के अराउंड में टाइम लग सकता है, यानी कि 15 दिन में भी लग सकता है, 1 माह में भी या 1.5 माह तक भी जा सकता है काम। सफारा वालों ने अभी इस बंदे को यह बोला है कि अभी 3 हफ्ते और लगेंगे, यानी कि इसको 1 हफ्ता हो चुका है तकरीबन पेपर जमा करवाए हुए, इसको मजीद 3 हफ्ते मजीद बोला गया वहां से। वो इसलिए बोला गया है कि आपका इस दौरान में काम हो जाएगा। इस बंदे की जब ये वीडियो इस भाई ने सोशल मीडिया के ऊपर लगाई है, बहुत अच्छा किया यार, ये वीडियो लगाने के बाद ही बिलाल अकबर साहब की नजर में, जो कश्मीर पाकिस्तान की नजर में ये आई है वीडियो, उनकी तरफ से फिर रिप्लाई जो इनको किया गया, साथ में आपको मैं दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं, ये कहा गया है इस चीज का, यानी कि इनका जो केस है, सीरियल नंबर होता है, फाइल नंबर में किस फाइल में पड़ा हुआ है, इनकी कौन सी फाइल है, इसमें सीरियल नंबर कौन सा है, इनका जो केस का नंबर है वो मकतबे अमल में हमने उठाया है, उनको बोला है कि इसका जल्दी काम करवा दें, इसको फालज का अटैक हुआ है और ये पाकिस्तान जाना चाहता है, तो इनको मुश्किल है थोड़ी, जाहिर सी बात है। तो अभी उनकी तरफ से यह कह दिया गया कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्किंग वीक, यानी कि आज आप ये वीडियो देख रखे हैं, जाहिर सी बात है इतवार होगा और आप इस चीज से आज से वर्किंग शुरू हो चुकी है, इतवार वाले दिन से, इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात, अभी 5 दिन तो काम चलेगा, तो इन 5 दिनों में इंशाल्लाह ताला इस भाई का खरूज लग जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको बता दिया, अगर आप साथ में लगाते हैं सफारा में खरूज नहाई के लिए पेपर जमा करवाने के लिए, तो वो आपको वहां पर टाइम थोड़ा लगता है, वैसे टाइम ज्यादा लगता है।